एक्सेस रिपोर्टर में बहुत स्वागत है आपका और मैं हूँ आपके साथ अभिंदित। तो सबसे पहले रुक करेंगे जगदलपुर का। बस्तर की जनप्रतिनिधियों के साथ कलेक्टर ने महारानी अस्पताल के जीवन दीप समिति की बैठक ली, साथ में अस्पताल का निरीक्षण भी किया। जगदलपुर के रियासतकालीन महारानी अस्पताल के जीवन दीप समिति की बैठक आज महारानी अस्पताल में संपन्न हुई, जिसमें सांसद, विधायक, महापौर और सभापति सहित कलेक्टर बस्तर रजत बंसल उपस्थित रहे। जीवन दीप समिति की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें डायलिसिस मशीन के सुचारू संचालन, कैंटीन की व्यवस्था, ब्लड बैंक में रक्त परीक्षण, शुल्क में बढ़ोतरी, स्व परीक्षण की सुविधा, रेड क्रॉस मेडिकल स्टोर के अलावा एक अन्य मेडिकल स्टोर खोलने की चर्चा तथा समिति की आय बढ़ाने के लिए दुकानों का निर्माण आदि पर विस्तार से चर्चा की। इन विषयों पर जल्द से जल्द निर्णय लेने को कहा गया। इस बैठक के बाद जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने महारानी अस्पताल का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए कि इसकी व्यवस्थाएं सुधार ली जाए। अब तो देखने वाली बात यह होगी कि यह बैठक कितना सफल साबित होता है। बस्तर से एक्सप्रेस रिपोर्टर आशुतोष तिवारी। गलवान वैली में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने आगामी दो दिनों के लिए अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिए। दरअसल गलवान वैली में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में सेना के 20 जवानों की शहादत पर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अपनी श्रद्धांजलि दी है। शहीद जवानों में कांकेर जिले का जवान गणेश राम कुंजाम भी शामिल था, जो चीनी सैनिकों के साथ मुकाबला करते हुए शहीद हो गया। इस दौरान बीजेपी के राज्य संगठन ने अपने दो दिनों के सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया। बता दें कि इन दिनों छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की वर्चुअल रैली चल रही थी, जिसमें मोदी सरकार की उपलब्धियों के साथ राज्य सरकार की असफलताओं को गिनाते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचते थे। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर शिवम मिश्रा। दीनदयाल रसोई केंद्र पर खराब सब्जी भेजे जाने को लेकर खाना बनाने वाली महिलाओं ने बनाई खिचड़ी। खराब सब्जी को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष ने कही जांच की बात। बड़वानी दीनदयाल रसोई केंद्र, जो कि पुराने कलेक्टोरेट कार्यालय के सामने संचालित हो रहा है, जहां पर लोगों को मात्र 5 रुपए में भरपेट भोजन की व्यवस्था शासन द्वारा की गई है, वहां आज कर्मचारियों द्वारा खराब सब्जी दिए जाने से नाराज केंद्र में काम करने वाली महिलाओं ने सब्जी बनाने से इनकार कर दिया। महिलाओं का कहना है कि सब्जी इतनी खराब है कि हम बना नहीं सकते, इसलिए आज हमने खिचड़ी बना दी है। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष का इस मामले में कहना है कि मैंने सीएमओ को इस मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं उनका यह भी कहना है कि मेरे संज्ञान में आया है कि वहां सब्जी बदल दी गई, तो यह कर्मचारियों के आपस का झगड़ा है। अपने निजी स्वार्थ को लेकर कर्मचारी झगड़ रहे हैं, एक अच्छी सब्जी लाता है, एक बदल देता है। इसके मैं निर्देश दूंगा कि मामले की निष्पक्ष जांच करें और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। वहीं उक्त मामले को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण चौहान ने कहा कि रसोई केंद्र में पदस्थ कर्मचारियों में आपसी झगड़ा चल रहा है, वहीं अपने निजी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए यह आपस में लड़ा रहे हैं। मैंने नगरपालिका सीएमओ को तत्काल निष्पक्ष जांच करने के आदेश दिए हैं। बड़वानी से एक्सप्रेस रिपोर्टर सचिन राठौर। एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य शासन ने हाईकोर्ट को बताया कि अभी तक 549 वकीलों की मदद की गई है और ये मदद आगे भी जारी रहेगी। डेमोक्रेटिक लॉयर्स फोरम के द्वारा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करके बताया था कि लॉकडाउन के पीरियड में वकीलों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है, ऐसे में राज्य सरकार उनकी मदद करे। इस पर राज्य शासन ने अपना पक्ष रखा और बताया कि अभी तक 549 वकीलों की मदद की जा चुकी है। राज्य शासन का जवाब मिलने के बाद अब अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। अरुण दुबे, एक्सप्रेस रिपोर्टर, जबलपुर। भोपाल शहर में आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए नगर निगम के अमले ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम के साथ में किया मॉक ड्रिल का आयोजन। मानसून के दौरान भोपाल में जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए संभाग कमिश्नर कविंद्र कैबायत ने आईएसबीटी स्थित नगर निगम कार्यालय में बैठक ली, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बाढ़ आपदा से निपटने के लिए एक्शन प्लान तैयार बनाया गया। साथ ही बैठक के बाद सैफिया कॉलेज रोड जल भराव होने और माखनलाल विश्वविद्यालय में आग लगने की घटना को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। यह कॉलेज के पास नाले में जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए और माखनलाल यूनिवर्सिटी पर आग पर काबू पाने के लिए नगर निगम के अमले ने किया मॉक ड्रिल का आयोजन। इसका जायजा लेने पहुंचे भोपाल नगर निगम कमिश्नर बी एस चौधरी और संभागीय आयुक्त कविंद्र कवायत जी। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर दुर्गेश गुप्ता। इंदौर में लगातार पुलिस का बदमाशों के खिलाफ अभियान जारी है, जहां एसपी यूसुफ कुरैती ने देर रात कॉम्बिंग गश्त चलाकर फरार वारंटी लूट व अन्य अपराधों में लिप्त बदमाशों को गिरफ्तारी की है।
इंदौर शहर के पूर्वी एसपी यूसुफ कुरैशी ने देर रात अपने आला अधिकारी थाना प्रभारी व पुलिस बल के साथ कॉम्बिंग गश्त चलाकर सालों से फरार चल रहे वारंटी बदमाश व अन्य अपराधों में लिप्त बदमाशों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया था, जहां बड़ी मात्रा में पुलिस के हाथ बदमाश लगे हैं। जिनसे आगे की पूछताछ कर रही तो वहीं पुलिस ने कुछ बदमाशों को समझाइश देकर भी रवाना किया, तो वहीं कुछ को पॉइंट ओवर भी किया है। एसपी ने अपने पूर्वी क्षेत्र में यह दूसरी बार देर रात कॉम्बिंग गश्त अभियान चलाया था, जहां बड़ी मात्रा में बदमाशों की धरपकड़ की गई है। वहां सभी आला अधिकारी थाना प्रभारी व एक साथ बल ने देर रात गुंडा अभियान चलाकर यह कार्रवाई को अंजाम दिया है। नॉर्थ एक्सपेक्ट बोला अधीक्षक। कोरोना महामारी के अंदर भी अपनी जान की जोखिम में डाल गीता भवन अस्पताल के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलने के बाद वो हड़ताल पर बैठ गए। इंदौर का गीता भवन अस्पताल परमाधिक ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है, जिसमें बहुत कम दरों पर लोगों का इलाज होता है। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 3 महीनों से अस्पताल में मरीजों की आवाजाही नहीं के बराबर थी। साथ ही अस्पताल के समीप स्थित गीता भवन मंदिर में भी लॉकडाउन के चलते बंद है। मंदिर और अस्पताल में जो भी आय होती है उसी से अस्पताल को संचालित किया जाता था, साथ ही कर्मचारियों को वेतन भी दिया जाता था। अस्पताल में लगभग 150 कर्मचारी कार्य करते हैं, जिसमें अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्नीशियन आदि लोग शामिल है। लेकिन प्रबंध द्वारा पिछले माह से आधा वेतन देने के बाद अस्पताल कर्मचारियों में रोष है और वह अपनी वेतन की मांगों को लेकर आज हड़ताल पर चले गए। फिलहाल गीता भवन अस्पताल ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया है कि अगले माह उनकी सैलरी दे दी जाएगी, जिसके बाद जो कर्मचारी है उन्होंने हड़ताल खत्म की। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। चाहे आंधी हो या तूफान, लगातार जवान नक्सलियों के खिलाफ अंदरूनी इलाकों में सर्चिंग कर रहे हैं। बरसात में भी जवानों की सर्चिंग नक्सलगढ़ में जारी है। मलांगिर एरिया में मलगेर नदी को लांग कर सीआरपीएफ के जवान जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ व्यापक अभियान चला रहे हैं। दरअसल अरनपुर थाना क्षेत्र के अंदरूनी इलाकों में नक्सलियों की अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। इस इलाके में पुल पुलिया सब नक्सलियों ने तोड़ दिया है। इन सब के बावजूद भी जवान नदियों को पार कर नक्सलगढ़ में लगातार सर्चिंग अभियान चलाकर नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। 111 बटालियन के जवान इसी तरीके से एक नदी को पार करके गए हुए थे, जहां पर डॉग स्क्वाड को भी उन्होंने नदी को लांग करके पार किया। एक दूसरे को जवान खींचते हुए नदी के बाहर निकाल रहे थे। इस तरीके से देखने से लगता है कि जवान कितनी कठिनाई से ऐसे इलाकों में अपनी ड्यूटी करते हैं। दंतेवाड़ा जिले में जिस तरीके से सीआरपीएफ के जवान मलंगिर एरिया में नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिए इस तरीके से व्यापक सर्चिंग अभियान चला रहे हैं, इससे बात साबित होती है कि आने वाले समय में नक्सलवाद की कमर इस इलाके में टूटेगी। दंतेवाड़ा से एक्सप्रेस रिपोर्टर पंकज सिंह भदौरिया। 2 करोड़ की लागत से बने हॉकर जोन बन गया है आराम गृह, आराम करते हैं यहाँ लोग। उनका लक्ष्य था कि एक ही स्थान पर सब्जी के थोक और फुटकर विक्रेता बैठें और वहीं से लोगों को सभी प्रकार की सब्जियां मिल सकें, जिसके लिए करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया था। चबूतरे बनाए गए थे, पंखे लगाए गए थे और इसके बाद सभी विक्रेताओं को नंबर के हिसाब से आवंटन भी किया गया था, लेकिन मंशा के मुताबिक हॉकर जोन का उपयोग कभी नहीं हो पाया। जहां शुरुआती दौर में कुछ विक्रेता हॉकर जोन में बैठे, वहीं उसके बाद बाहरी आवंटित दुकानों पर भी सब्जी विक्रेता बैठे हुए नजर आते हैं। बाकी के पूरे हॉकर जोन में लोग अब आरामगाह के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। नगर पालिका के द्वारा यहां पर बिजली की सप्लाई कराई जाती है और यहां लोग पंखे चलाकर आराम फरमाते नजर आते हैं। देखना होगा कब यहां पर सब्जी विक्रेता अपनी सब्जी की दुकानें लगाएंगे या फिर ऐसे ही करोड़ों की लागत से बना यह हॉकर जोन वीरान पड़ा रहेगा। प्रशांत चौरसिया, एक्सप्रेस रिपोर्टर, दमोह। जिले में मेडिकल कॉलेज के बाद परासे की आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए मिली 100 बिस्तरों के अस्पताल की सौगात, भवन के साथ बेहतर इलाज का मिलेगा लाभ। परासे की आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लाभ मिलेगा, जिसकी टेंडर प्रक्रिया शासन द्वारा पूरी कर दी गई है और ठेकेदार द्वारा जल्द ही इसका काम शुरू किया जाएगा। यह जानकारी क्षेत्रीय विधायक सोन पार्विक ने दी। विधायक ने नवनिर्मित भवन की जानकारी देते हुए बताया कि 14 करोड़ की लागत से अस्पताल भवन का निर्माण के साथ 1,70,00,000 की राशि मेडिकल उपकरणों एवं फर्नीचर पर खर्च होगी। नवनिर्मित अस्पताल में मरीजों को भर्ती करने सर्जिकल एवं गायनी की वार्ड सहित ईजीसी, एक्सरे लैब, मेडिकल एवं ब्लड बैंक होंगे एवं अस्पताल परिसर में पोस्टमार्टम कक्ष भी होगा। मरीजों के लिए लिफ्ट एवं रैंप साइड सीढ़ियां भी होगी। यह अस्पताल छिंदवाड़ा के मेडिकल कॉलेज के बाद जिले का पहला अस्पताल होगा,
जिसमें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा होगी। कराची से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए अनिल लहिया। शहर में कहीं भी पानी भरा तो जोन कमिश्नरों पर होगी कार्रवाई, महापौर ने बरती सख्ती। मानसून आने के साथ ही शहर में कई जगहों पर पानी भरने की शिकायतें भी शुरू हो गई हैं। महापौर ने बुधवार को अफसरों की क्लास लगाकर कहा कि जिस जोन के कमिश्नर वार्ड पर पानी भरने की शिकायत मिली उस पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। महापौर इस बात से नाराज भी थे कि वे हर साल जयस्तम चौक के पास और इंडियन कॉफी हाउस के बाद साल के पास पानी भर जाता है। अफसरों की कई साल की कोशिशों के बाद भी अब तक यह पूरी तरह से जल भराव की समस्या जो है वो दूर नहीं हो पाई है। महापौर ने कमिश्नरों से कहा कि 24 घंटे अपना मोबाइल चालू रखिए, जहां भी शिकायत आती है वहां पर तत्काल कार्रवाई करें। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुप्रिया पांडे। देश का पहले स्टेडियम में कोविड हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ में बना। उपयुक्त सुविधा के साथ योगा और मनोरंजन का कोरोना पीड़ित मरीज उठाएंगे लूप। दरअसल प्रदेश में जैसे जैसे कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार जारी है। देश का पहला स्टेडियम में कोरोना पॉजिटिव हॉस्पिटल राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में 200 बिस्तर का बनाया गया है। इस आइसोलेशन हॉस्पिटल में एसिम्प्टोमेटिक कोरोना पॉजिटिव मरीजों को भर्ती किया जाएगा। सीमेशु मीरा बघेल ने बताया कि ये कोई क्वारंटाइन सेंटर नहीं है, ये आइसोलेशन हॉस्पिटल है। यहाँ एसिम्प्टोमेटिक कोरोना पॉजिटिव भर्ती होंगे। हॉस्पिटल में साउंड सिस्टम, टीवी, पंखा, मोबाइल प्लग, योगा स्थल, जिम, मनोरंजन के लिए चेस, कैरम, लूडो की व्यवस्था की गई है। साथ ही स्वास्थ्य मनोरंजन के लिए प्रेरणा स्रोत, ज्ञानवर्धक फिल्म भी दिखाए जाएंगे। इस आइसोलेशन हॉस्पिटल को लेकर दावे तो अनेक है और दावे की सच्चाई तब पता चलेगा जब वहां मरीज पहुंचेंगे। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्या राजपूत। सौसर की कृषि उपज मंडी में कपास की विक्रय व्यवस्था बनाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। जो सीसीआई की खरीदी में अव्यवस्था का आलम उनके सपनों पर पानी फेरते नजर आ रहा है। मंडी में सीसीआई ने जब से खरीद शुरू की है तब से अब तक विवादों की झड़ी लग चुकी है और प्रशासन पर व्यापारियों दलालियों से साजगार के आरोप लगे हैं, तो कपास की खरीदी में वर्चस्व की राजनीति भी देखने को मिली है। ऐसे में हर बार प्रशासन को अपने नियमों को परिवर्तित करना पड़ रहा है, जो नियम प्रशासन के ऊपर ही भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। मंडी परिसर में कपास की गाड़ियों की बंपर आवक से मंडी परिसर फुल हो गया तो दूसरी और अनुबंधित जिनिंगों में भी कपास रखने के लिए जगह नहीं है। ऐसे में प्रशासन ने फिलहाल खरीदी तो रोक दी है, किंतु कई कपास से भरी गाड़ियां मंडी परिसर में खुले आसमान के नीचे खड़ी है, जो बारिश से भीगने के कगार पर है। तो मंडी में अव्यवस्था का आलम होने से 4 दिन से खड़ी गाड़ियों का किराया किसानों को लग रहा है, तो मंडी में चोरी भी हो रही है। मंडी प्रांगण में कई दिनों से कपास से भरी गाड़ियां खड़ी है, जिनकी बिक्री व्यवस्था प्रशासन बनाने में नाकाम है। देखना है कब तक प्रशासन इनकी व्यवस्था बना पाता है। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुरे। के इंगोरिया में गड्ढों की सड़क बनी परेशानी का सबब जिम्मेदार नहीं दे रहा है इस ओर ध्यान। इंगोरिया से इंदौर जाने वाली सड़क मुसीबत का सबब बनी हुई। बड़नगर इंगोरिया में इंगोरिया गौतमपुरा बेटवा मार्ग की हालत हो रही जर्जर। इंगोरिया चौपाटी पर पंचायत के समीप स्थित मार्ग में बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, साथ ही यहाँ पानी भरा हुआ रहता है, जिसके कारण बारिश में कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन इस ओर नहीं रोड ठेकेदार ध्यान दे रहा है, ना ही प्रशासन के लोग ध्यान दे रहे हैं। एमपीआरडीसी के अंतर्गत आती है यह रोड, लेकिन इस ओर एमपीआरडीसी के अधिकारियों का भी ध्यान नहीं जा रहा है। ग्रामीण हो रहे हैं परेशान, ग्रामीणों को बारिश में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एमपीआरडीसी के अंतर्गत आती है सड़क, अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार ठेकेदार पर प्रशासन किस प्रकार की कार्रवाई करता है। एक्सप्रेस रिपोर्टर विजय निमा उज्जैन। विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आई है, इसके चलते 4 मवेशियों की मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और विद्युत विभाग को खड़ी होती सुनाई। कोरबा के ग्राम पंचायत नकपी खाल में करंट लगने से 4 मवेशियों की मौत हो गई। मवेशियों की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। इस घटना का जवाबदार विद्युत विभाग को बताया। पूर्व जनपद सदस्य घनश्याम उराव ने कहा कि 11 के बीच तार कटने की सूचना विद्युत विभाग को दी गई थी, लेकिन विद्युत विभाग के द्वारा लापरवाही दिखाते हुए मरम्मत कार्य नहीं करवाया गया, जिसके चलते मवेशियों की मौत हो गई। किसानों की माने तो कृषि के समय में किसी किसान के बैल के मर जाने से अब उसके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि 24 घंटा पहले 11 के बीच गिरने की सूचना विद्युत विभाग को दी गई,
लेकिन उसके बावजूद भी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे, जिसका खामियाजा मवेशियों को भुगतना पड़ा। कोरबा से रिपोर्टर मनोज यादव। नीमच पुलिस ने 6 दिन पहले गांव सरवानिया मसानी में रोशन लाल की हुई हत्या का खुलासा किया। खेत से जुड़े आपसी रंजिश के विवाद में नया गांव चौकी क्षेत्र के गांव में रहने वाले रोशन लाल पिता नंदलाल बलाई की हत्या कर गांव के 3 लोगों ने लाश को खेत पर छोड़ दिया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की। आखिर 6 दिन बाद पुलिस ने अंधे पर पर्दाफाश किया, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आपसी रंजिश के चलते गाँव सरवानिया मसानी में रहने वाले रोशन लाल की गाँव के ही 3 युवकों ने हत्या कर खेत पर लाश फेंक दी थी, जिसके बाद 6 दिन के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया है। एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास राव शिंदे, न्यूज। रानी लक्ष्मीबाई के साथ अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए साधु संतों की उपेक्षा से नाराज हैं शहर के संत। ग्वालियर में हर साल 17-18 जून को आयोजित होने वाले वीरांगना लक्ष्मीबाई बलिदान मेला में रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े पहलुओं को याद किया जाता है, लेकिन इस बीच उन साधु संतों की समाधि आज भी उपेक्षा का शिकार है जिन्होंने रानी के साथ शहादत प्राप्त की थी। दरअसल में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से युद्ध लड़ते लड़ते ग्वालियर आई थी। यहाँ अंग्रेजों द्वारा उन्हें घेर लिया गया, वे घायल हो गयी, तो वहीं इस गंगाशाला में रहने वाले साधुओं ने रानी का साथ देकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। इस लड़ाई में तकरीबन 745 साधु शहीद हो गए थे, लेकिन फिर भी रानी की देह को अंग्रेजों के हाथों में नहीं आने दिया और गंगादास महाराज ने रानी का इसी स्थान पर अंतिम संस्कार कर दिया था। यही कारण है कि संत समाज एक लंबे अरसे से रानी के साथ शहीद हुए साधुओं की याद में स्मारक बनाने की मांग करता आ रहा है। संतों की नाराजगी इस बात से भी यह है कि लगातार केंद्र और प्रदेश के मंत्री से लेकर विधायक और सांसद यहाँ आश्वासन देकर जा चुके हैं कि वो संतों की समाधि स्थल पर स्मारक स्थल बनाएंगे, लेकिन आज तक एक पत्थर भी नहीं लगाया गया है। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। राज्यसभा चुनाव की कवायद में जुटी कांग्रेस ने आज दूसरे दिन भी विधायक दल की बैठक आयोजित की। राज्यसभा चुनाव के लिए भोपाल में डेरा डाले कांग्रेस विधायक दूसरे दिन भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर जुटे। इस बैठक में कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। पार्टी ने 2 उम्मीदवारों में पहली वरीयता दिग्विजय सिंह को दी है, दूसरी वरीयता फूल सिंह बनैया को दी गई है। कांग्रेस के पास कुल विधायकों की संख्या 92 है। राज्यसभा की एक सीट को जीतने के लिए 52 विधायकों की जरूरत है। जाहिर है बचे हुए 40 विधायक फूल सिंह बनैया को वोट डालेंगे। बरैया की जीत तभी हो सकती है जब उन्हें 12 वोट और मिल जाएं। प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालातों को देखते हुए राज्यसभा में फूल सिंह बरैया की एंट्री फिलहाल मुश्किल नजर आ रही है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर निर्मल सिंह बैस। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम लखनपुर में हुए पूर्व सरपंच की हत्या मामले में गृह मंत्री के दखल के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांजगीर चांपा जिले के कोतवाली क्षेत्र के ग्राम लखनपुर में पूर्व सरपंच तेरस राम यादव के हत्या मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को ग्राम लखनपुर के पूर्व सरपंच तेरस राम यादव की गांव में हत्या कर दी गई थी, उसके बाद कोतवाली पुलिस ने 26 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया था। वही मामले में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी संज्ञान लेते हुए मामले में त्वरित कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया था, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सप्ताह भर के अंदर सभी फरार आरोपियों की पुलिस ने सभी आरोपियों पर हत्या मारपीट सहित मामले दर्ज कर उन्हें जो है न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। एक्सप्रेस वोटर के लिए रवि गोयल, जानिए। गौरतलब है कि नगर निगम इंदौर में ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है जो कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं। इंदौर से रिपोर्टर दीपिका अग्रवाल। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह से मिले आदेश के बाद नगर निगम विभाग शहर में लगातार मास्क न पहनने वालों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर रहा है। अब तक नगर निगम के अमले ने शहर में सैकड़ों लोगों और संस्थानों पर स्पॉट फाइन की कार्रवाई भी की है। इसी कड़ी में आज नगर निगम के अमले ने अपने ही 11 कर्मचारियों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने के मामले में चालानी कार्रवाई की। दरअसल नगर निगम द्वारा उद्यान विभाग के कई कर्मचारियों को किला मैदान चौराहा स्थित उद्यान में रख रखाव की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं मौके पर जब नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग का अमला पहुंचा तो पाया कि निगम कर्मचारी काम करने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। कोरोना से बचाव के लिए प्रोटोकॉल के पालन में नगर निगम का बेहद सख्त रूप इंदौर में नजर आ रहा है।
आज निगम के 11 कर्मचारियों को अपनी लापरवाही भारी पड़ी और उन्हें जुर्माना भरना पड़ा। चलिए एक नजर डालते हैं आज के स्वराज तड़का पर।